दोस्तों आईपीएल साल 2023 का सीजन शुरू होगा, बट उससे पहले आप पूरी तरह से टी20 से बोर कहीं ना हो जाओ। एक साथ 5 से 6 टूर्नामेंट चल रहे हैं, अब इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है कि देखे तो क्या देखे। खैर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहां हम रोज लाइव आते हैं, मजे करते हैं। बात करेंगे केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, और टीम केकेआर की दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर आ रही है। दोस्तों इंस्टाग्राम लाइव के दौरान आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, हमारे साथ खुद भी लाइव आ सकते हो, हमारे साथ हम अकेले नहीं और 3-4 यूट्यूबर्स लाइव आते हैं, मैचेस देखते हैं, जो भी यहां पर सीरीज चल रही है, जो भी करंट मुकाबले चलते हैं वो देखते हैं। तो इस तरह से केकेआर की बात करेंगे, तो वीडियो देखना बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जिस तरह से अभी मजबूत बनी हुई है, वैसी एडीकेआर अभी नहीं दिख रही है। आप कमेंट करके जरूर बताओ एडीकेआर क्या है, तैयार या बेकार है। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट निकल कर आ रही है एडीकेआर को लेकर। तो अगर एडीकेआर की बात करें तो यार बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी, कुछ शाहरुख खान अपनी पिक्चर की प्रमोशन मान लो या गेस्ट अपीयरेंस मान लो या क्रिकेट का प्यार मान लो, पहला मुकाबला एडीकेआर का देखने गए थे, वो एडीकेआर हार गई थी। चलो कोई बात नहीं, पहला मुकाबला हो सकता है टूर्नामेंट को देखने देखने में समझने में हार जाए यार, दूसरा मुकाबला भी एडीकेआर यहाँ पर हार गई है। हम हर एक मैच की फैंटेसी टिप्स देते हैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन के साथ। वैसे हमने प्रेडिक्शन में बता दिया था कि गल्फ जायंट्स जीतने वाली है, आप चाहो तो फैंटेसी चैनल पर जाकर चेक कर लेना। बट यार दोस्तों एक हार होती है और एक बहुत बुरी हार होती है। एडीकेआर ने 2 मैच खेले हैं, दोनों ही हारे, और दूसरे मुकाबले में तो 114 रन बनाए हैं, जितनी बॉल थी उससे भी कम रन बनाए हैं। और दोस्तों ये तो बता दें कि अच्छी खबर इसमें से ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पर सुनील नारायण और आंद्रे रसल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सामने वाली टीम में हमें यहाँ पर डेविड वीजे देखने को मिले थे, वो भी सही सही एक एवरेज परफॉर्मेंस खेले, हालांकि उन्होंने रन तो 5 ही बनाए क्योंकि जब तक तो वो जीत ही गए थे। बट अब एडीकेआर का अगला मुकाबला 18 जनवरी को है, जिसकी आपको फैंटेसी टीम आज मिल जाएगी हमारे सेकंड चैनल के ऊपर। तो यार उम्मीद करेंगे कि इनकी जो कमबैक है वो जल्दी से हो जाए, क्योंकि यार एडीकेआर जीते हारे उससे लगता तो बुरा ही है, बट यार केकेआर की सब फ्रेंचाइजी और यहाँ पर कुछ लोगों के सपने भी हैं कि इनॉग्रल टूर्नामेंट तो ज़रूर जीतना चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि एडीकेआर लगातार हार की हैट्रिक बनाएगी या फिर अब फाइनली एक मुकाबला जीतेगी और कमबैक करेगी। अगली अपडेट आ रही है वाइस कैप्टन को लेकर। तो अगर टीम केकेआर की बात करें तो यहाँ पर हमें एक नया वाइस कैप्टन देखने को मिल सकता है। तो यार पिछले साल हमें यहाँ पर जो नीतीश राणा है वो देखने को मिले थे, बट अब यहाँ पर दोस्तों केकेआर मैनेजमेंट में चंदू जी के आने से यानी चंद्रकांत पंडित जी के आने से कुछ धमाकेदार डिसीजंस देखने को मिलेंगे। और ये नया वाइस कैप्टन कौन है दोस्तों, 2 नाम निकल कर आ रहे हैं, एक है रिंकू सिंह तो दूसरे हैं वेंकटेश अय्यर। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन बनता है वाइस कैप्टन, बट आप कमेंट करके बता सकते हो कि वाइस कैप्टन कौन और क्या क्यों बनना चाहिए। लास्ट अपडेट आ रही है श्रेयस अय्यर को लेकर। तो यार 3 मुकाबले श्रीलंका के अगेंस्ट खेले ODI में, 28, 28 और 38। तो यार यहाँ पर 3 लो स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं, और जो श्रेयस अय्यर को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, ना फैंस को पसंद आया, ना श्रेयस अय्यर को खुद पसंद आया होगा। और यार आपको पता ही है ट्रॉलिंग नेक्स्ट लेवल अभी श्रेयस अय्यर की चल रही है, क्योंकि यार वो सूर्य कुमार यादव की जगह खेल रहे हैं। इसके अलावा और भी 2-3 प्लेयर के बारे में नाम आ रहे हैं, T20 में भी उनकी जगह नहीं बन रही है श्रेयस अय्यर की, और अब ये लो स्कोरिंग परफॉर्मेंसेज। बट वी होप हम इनको बैक करेंगे और ये अच्छी परफॉर्मेंसेज कमबैक जरूर करेंगे श्रेयस अय्यर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।